हाय गाइस, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है 7, 16 या 25 तारीख तो ये वीडियो आपके लिए अप्लाई करता है। अब ये वीडियो में हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए देखने वाले हैं, क्या करना चाहिए, क्या आपके फ्यूचर में होने वाला है, कौन सी चीज़ है कि जो आपको अवॉइड करना चाहिए, और यूनिवर्स के मैसेजेस की जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक टाइमलेस वीडियो है, ठीक है। टाइमलेस वीडियो मतलब जब भी आप इस वीडियो को ओपन करते हैं ये वीडियो आपके लिए वैलिड रहेगा। इस वीडियो की कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। अगर अभी कुछ रेजोनेट नहीं करता है तो हो सकता है कि वो बाद में रेजोनेट कर जाए, और अगर कुछ चीज़ें रेजोनेट बिल्कुल नहीं करती हैं तो हो सकता है कि आपके तरफ से कुछ एक्शन लेने के बाद वो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेंगी। तो जी हाँ, कुछ उस तरफ से ये चीज़ें आपके लिए काम करेंगी, और कुछ हो सकता है कि जो बिल्कुल ही रेजोनेट नहीं करे, जो नहीं रेजोनेट करता है उसको आपको जाने देना है, ठीक है। तो जी हाँ, तो इस वीडियो में हम आपके बारे में बहुत सारी डिटेल में देखने वाले हैं। तो यस, बने रहिए, कोशिश कीजिए आप अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को साइड पर छोड़ें। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो हाय, मैं हूँ टीटी और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही हूँ, और मैं दुनिया भर के, यस ग्लोबली, बहुत सारे देशों के हज़ारों लोगों के मैं रीडिंग्स कर चुकी हूँ। हज़ारों लोगों को आज तक मैं टैरो सिखा भी चुकी हूँ। अगर ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि आप भी ये ब्यूटीफुल और मैजिकल साइंस सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप मेरे साथ मेरे टैरो की क्लास में जुड़ सकते हैं। टैरो की क्लास की सारी डिटेल्स आपको दी गई है मेरी वेबसाइट के ऊपर। मेरी वेबसाइट की डिटेल आपको कहीं पर स्क्रीन पर मिल जाएगी। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है कि आपको कुछ डिटेल में, आपको कुछ डीप में प्रेडिक्शंस चाहिए, कुछ डीप में आपको रीडिंग्स चाहिए, तो भी आप मुझसे रीडिंग्स ले सकते हैं। यस, रीडिंग्स पेड है, रीडिंग्स फ्री नहीं है। आप जब मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, प्री पेड रीडिंग्स है, पहले आपको पे करना है जिसके बाद आपको रीडिंग मिलेंगे। अब जिस हिसाब से आप बुकिंग करते हैं, यस आप अभी बुकिंग करते हैं, तो जितने क्लाइंट्स हैं, जो क्लाइंट्स हम ऑलरेडी बुकिंग किया है, पहले उनका रीडिंग होगा और उसके बाद आपका मौका आएगा, ठीक है। तो यस, कभी कभी लोग स्टार्टिंग में पूछते हैं, अच्छा कितने समय के बाद रीडिंग मिलेगा, बट इट डिपेंड्स कि आप कब बुक करते हैं, उसके बाद बताया जा सकता है कि कितने समय के बाद आपको रीडिंग मिलेगा, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था मेरे बारे में इंट्रोडक्शन। चलिए अब देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहता है, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स जिनका डेट ऑफ बर्थ है 7, 16 या 25, उनके लिए मुझे गाइडेंस चाहिए। मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थडे है 7, 16 या 25 तारीख, उनके लिए गाइडेंस दीजिए। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनका बर्थडे है 7, 16 या 25, उनके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है सारे कार्ड्स जो आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, आपके लिए सारे कार्ड्स हमने निकाल दिए हैं। दो सीक्रेट मैसेजेस आपके लिए आए हैं, वो हम एंडिंग में देखते हैं इसका क्या मीनिंग है, ठीक है। पहले ये सारे कार्ड्स देख लेते हैं। सो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आई हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। सो सबसे पहले आपके लिए आया है कि आपकी जो पर्सनालिटी है, आपको कोशिश करना है आप बहुत ही ज़्यादा लविंग, केयरिंग और अनकंडीशनल आप लोगों के साथ रहे, चाहे लोग आपके साथ जैसे भी रहते हो, बट आपको कोशिश करना है कि आप काफ़ी लविंग, केयरिंग और अनकंडीशनल रहे। अब दुनिया में 7 बिलियन 8 बिलियन लोग हैं, आप कहेंगे किस किस के साथ अनकंडीशनल रहे। भाई जिसको सी दुनिया का हर एक व्यक्ति 8 बिलियन लोगों के साथ रिलेशनशिप नहीं रख सकते हैं, बट जितने लोगों के साथ आप रिलेशनशिप रखते हैं उनके साथ आपको इमोशनल एक अच्छा बॉन्ड बनाकर रखना है। उनके साथ आपको बहुत अच्छे से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, आपको अनकंडीशनली उनकी मदद करना है, बहुत ज़्यादा लविंग एंड कंपैशनेट होना है। नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है, दिस इज शोइंग अबाउट इन्वेस्टमेंट। आपने अगर अपना समय किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया है तो आपको कोशिश करना है आप अच्छे से शांति से राह देखो उस वहाँ से रिटर्न मिलने की, ठीक है। अब हो सकता है समय की आप राह देख रहे हैं, इन्वेस्टेड आपने भले कुछ ना कुछ इन्वेस्ट किया है, तो दिस कुड बी अबाउट मनी, आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, बट अब आपके अंदर अगर धीरज नहीं है तो ये कार्ड कहता है आपको धीरज रखने की ज़रूरत है, आपको शांति से राह देखने की ज़रूरत है, कब ये इन्वेस्टमेंट पक कर आएगा। अगर आपने अपना समय इन्वेस्ट किया है किसी रिलेशनशिप के पीछे,
समय इन्वेस्ट किया है कुछ काम करने के पीछे कि जहाँ से अब आपको रिजल्ट मिलना बाकी है, दिस कार्ड इज सेइंग पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, बट थोड़ा सा धीरज धरने की ज़रूरत है, शांति से वेट करने की ज़रूरत है, राइट? ये वेटिंग का कार्ड है, तो वेट करना है, वेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते आप। नेक्स्ट वी हैव इज दिस कार्ड, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन आई है कि जहाँ पर आपको लगता है इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, बहुत मुश्किल लग रहा है, आपको लगता है कि आप टूट जाएंगे, आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, बट दिस कार्ड इज सेइंग आप बहुत अच्छे से उसे हैंडल कर पाएंगे, आपको जितनी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है वो सारी स्ट्रेंथ आप डिस्कवर कर पाएंगे अपने अंदर, तो आपको गिव अप नहीं करना है, यू हैव टू कीप गोइंग ऑन एंड ऑन, जितना चाहे उचित, मतलब जस्ट टेक एवरी डे एज अ चैलेंज, ठीक है? हर रोज़ आपको ज़्यादा एफर्ट डालना है, हर रोज़ आपको थोड़ा और ज़्यादा एफर्ट डालना है कल से स्ट्रॉन्ग बनने का, चीज़ों को बहुत ज़्यादा बहादुरी से हैंडल करने की आपको कोशिश करना है, ठीक है? सी कोशिश करेंगे तो ज़रूर उसमें आप आगे बढ़ पाएंगे। कुछ लोग होते हैं जो कोशिश ही नहीं करते और कहते हैं हम तो भाई उतने स्ट्रांग नहीं हैं, तो कोशिश ज़रूर करना है, ठीक है? द नेक्स्ट वी हैव इज़ दिस इज़ द कार्ड अबाउट योर टेम्पटेशंस, ईविल डिज़ायर्स, योर पैशन, ये कुछ भी हो सकता है, आपके आपके टेम्पटेशंस हो सकते हैं, आपके 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 पार्टनर के रिलेटेड कोई ईविल डिज़ायर्स हो सकते हैं, राइट? कुछ बहुत ही ईविल फैंटेसीज हो सकती है अपने पार्टनर को लेकर के, जिसके ऊपर आपको एक्सपेरिमेंट करने की इच्छा हो सकती है, सो या मे बी यू कैन एक्सप्लोर इट। और ये भी है कि आपको ये जो कार्ड है ये भी बताता है आपको अपने पार्टनर के साथ बंधा बंधा सा फील हो सकता है, बट इट जस्ट डिपेंड्स के आप अगर बंधा सा अगर आप जिसके साथ हैं, इट वॉज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी की जो मुझे बताई गई थी कि अगर आप किसी स्टोर में चले जाते हैं, आप किसी आइसक्रीम की दुकान में जाते हैं, वहाँ पर आप आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं और आइसक्रीम ऑर्डर करने के बाद आपको पता चलता है कि 500-500 रुपये का एक एक आइसक्रीम है, तो या तो आप उस आइसक्रीम को रोते रोते हुए खा सकते हैं या तो हंसते हंसते हुए उसे एंजॉय कर सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग, आपके पार्टनर के साथ आप जब बंध गए हैं तो आप या तो रोते रोते अरे यार बंध गए, ये है वो है, कंप्लेन करते हुए रह सकते हैं, या फिर जो भी बंधन में आप बंधे हैं उसके उस बंधन के होते हुए आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है? दूसरी बात जो यहाँ पर बताया जा रहा है, अगर आप दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है फिर भी आप अपने पार्टनर के साथ बंधे हैं, ठीक है? भले आप कमिटेड नहीं हो सकते हैं बट आपको लग सकता है कि कुछ ऐसा हो चुका है कि जिसकी वजह से अब आप मतलब कोई चारा नहीं है और आप एक दूसरे से बंध गए हैं, तो ये वाली फीलिंग है, आप अगर शादीशुदा नहीं है फिर भी ये वाली फीलिंग हो सकती है, ठीक है? नेक्स्ट जो हमारे पास कार्ड है वो है ये, दिस इज़ अबाउट टेकिंग एक्शन, ये एक्शन लेने का कार्ड है, स्पेशली आपके करियर के रिलेटेड। अगर आप करियर में कहीं पर अटके हुए हैं, कुछ काम नहीं कर रहा है, कुछ है कि जो आप जहाँ पर आप ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो ये कार्ड बताता है आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक्शन लेने से आपको रिजल्ट मिलेगा, और एक्शन जब तक नहीं लेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। दिस इज़ द कार्ड अबाउट हार्ट ब्रेक, यस, अभी कुछ समय में आप कुछ हार्ट ब्रेक, कोई दिल तोड़ दे, कोई आपको आपका दिल दुखाए, ऐसा अनुभव आपको होगा। सी नाउ डोंट गेट सरप्राइज, डोंट गेट डिस्टर्ब कि ओ माय गॉड मेरे साथ ऐसा होगा। सी देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स के जो हर रोज़मर्रा पर लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो दिस इज़ जस्ट वन ऑफ द एक्सपीरियंस दैट यू आर गोइंग टू हैव, आपको उसे हेल्दीली एक्सेप्ट करना है। अगर ये चीज़ हो रही है आपको कोशिश करना है, ऐसे लोग ये जो आपका दिल दुखाते हैं, आपका दिल तोड़ते हैं, कोशिश करो कि उनसे दूर रहो। यू डोंट ट्राई टू हर्ट yourself, अगर आप अपने आप को हर्ट करेंगे, अगर आप अपना दिल तोड़ेंगे तो लोग भी बहुत ज़्यादा एफर्टलेसली आपके साथ करेंगे। अगर आपने ये वाला कार्ड आपने चुना ही है, दिस इज़ योर कार्ड एनी वेज, सो दिस इज़ द कार्ड, ये वाला कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप आपको रिकिंडल करने की ज़रूरत है। अगर आप सिंगल है देन दिस शोज बहुत ही देर आर गुड चांसेस कि एक नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है? यस, अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो पार्टनर आएगा, बट देर आर सिंगल पीपल, ऐसे भी लोग हैं कि जो सिंगल है और वो उनको पार्टनर चाहिए भी नहीं। सो दिस इज़ द कार्ड दैट सेज कि आप ऐसा कुछ करना शुरू करेंगे कि जो आपको दिल से अच्छा लगता है करना, ठीक है? समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू योर इमोशंस, कुछ है कि जो आपको बहुत पॉजिटिव इमोशनल कॉन्फिडेंस देता है, इमोशनल बूस्ट करता है, कुछ ऐसा नया काम आप शुरू कर सकते हैं। Then we have is this card, this is showing emotional detachedness,
ये कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पर इमोशनली आप डिटैच रहना चाहते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करना चाहते हैं अपने आप को लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, फैमिली के साथ, तो जो इमोशनल डिटैचनेस आपको फील करना है, एक्सपीरियंस करना है, यू कैन डेफिनेटली डू इट. सी, दुनिया का हर कोई व्यक्ति है वो रोबोट नहीं है कि हर वक्त मतलब समय समय पर अपने इमोशंस को अच्छे से प्रोसेस करता रहे और उसको कुछ फर्क भी नहीं पड़े. पीपल आर नॉट रोबोट्स, तो आप भी रोबोट नहीं है. तो अगर आपको इमोशनली थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप इमोशनल इन्वॉल्वमेंट दूसरों के साथ थोड़ा कम करें, अपने आप के साथ ज़्यादा समय बिताएं, ताकि आप यू कैन एक्चुअली प्रोसेस वॉट इज़ गोइंग ऑन इनसाइड यू, तो वो करने के बाद आप डेफिनेटली वापस इमोश अपने लोगों को, अपने रिलेशनशिप्स को नॉर्मली उनके साथ हैंडल कर सकते हैं. अब यस, जस्ट बिकॉज वी हैव दिस कार्ड, ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पार्टनर है, लोग हैं आपके आसपास, फ्रेंड्स है, फैमिली है, वो सबके होने के बावजूद आपको बस लोग एक स्टबर्ननेस लेवल का आपको एक्सपीरियंस हो सकता है, जहाँ पर आपको बस दूसरों के साथ इन्वॉल्वमेंट करना ही नहीं है. अप टू सम स्मॉल ड्यूरेशन अगर आप टाइम ऑफ लेते हैं इट इज़ फाइन, बट अगर हद से ज़्यादा आप टाइम ऑफ करते रहते हैं, यू डोंट केयर अबाउट पीपल यू लव, तो वहाँ पर आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ खोना शुरू करेंगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स उसके आएंगे. तो ये कार्ड ये भी कहता है स्टबननेस की वजह से इमोशनली डिटैच्ड ही रहना और इमोशंस को, लोगों को, रिलेशनशिप को दूर करते रहना, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल. नेक्स्ट जो कार्ड हमारे पास आया है वो है ये. दिस इज़ द कार्ड अबाउट फीलिंग ट्रैप्ड. देर इज़ डेफिनेटली अ फीलिंग ऑफ बींग ट्रैप्ड, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास डेविल का कार्ड भी है. सो येस, यू डू फील ट्रैप्ड. आपको ट्रैप्ड वाली फीलिंग ज़रूर है. एट द सेम टाइम ये ट्रैप्ड का फीलिंग शायद आप ही ने अपने आप को ट्रैप किया है. सो दिस कुड बी दैट यू हैव ट्रैप्ड योर सेल्फ, यू हैव आपने खुद ही अपनी आंखों पर पट्टी लगा ली है, बिकॉज आपको लगता है कि ये जहाँ पर आप आ गए हैं यहाँ से आप निकल नहीं सकते या आप निकलना चाहते नहीं. कुछ है कॉम्प्लिकेशंस की जिसकी वजह से ऐसा ट्रैप्ड रहना शायद इज़ अ कम्फर्ट जोन, तो आप इसको चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो. ठीक है, सो दैट इज वॉट इज यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ. सी, ट्रैप्ड वाली फीलिंग भले है, बट अगर आप अंदर से अपने आप को ट्रैप करते रहते हैं, अंदर से अपने आप को जकड़ते रहते हैं गलत मामलों में, तो भी आपके बाहर की दुनिया में ये ट्रैप्ड वाली फीलिंग मैनिफेस्ट होकर आएगी. दिस गाय इज एक्चुअली कमिंग इन सो मेनी रीडिंग्स. अगर आपने दूसरे रीडिंग्स देखे हैं, दूसरे नंबर्स वाले रीडिंग्स, तो आपने देखा होगा कितने सारे रीडिंग्स में ये बंदा आया है. यू मे से ओके, हाउ डज इट हैपन. सी, अभी भले नंबर्स अलग अलग है, बट जब वर्ल्ड के ऑल ओवर द वर्ल्ड सिमिलर प्लानिटरी ट्रांजिशन एक्सपीरियंस होते हैं, तो कुछ होते हैं एक्सपीरियंसेस के जो लोग कॉमनली एक्सपीरियंस करते हैं. ठीक है, ये जो कार्ड है ये कहता है किसी तरह का पैसे का इन्वेस्टमेंट, पैसे के इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ सीखने की ज़रूरत है, पैसे कमाने के बारे में कुछ सीखने की ज़रूरत है, कैसे आप पैसे बना सकते हैं उसके ऊपर कुछ रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ सकती है. सो येस, दिस इज समथिंग अबाउट मनी के जिसके ऊपर आपको रिसर्च करना है. अभी तक आप उसमें श्योर नहीं है, बट देर इज सम और द अदर रिसर्च दैट इज रिक्वायर्ड. द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज दिस, एंड दिस इज द हैंडमैन. रुके रुके से हैं, पता नहीं कब लाइफ आगे बढ़ेगी. दिस इज वॉट इज हैपनिंग. बस हो सकता है अभी नहीं हो रहा है, बट फ्यूचर में आप ज़रूर इसको एक्सपीरियंस करने वाले हैं कि एक तरह से रुकावट आपको लग सकता है कि मतलब लाइफ रुक सी गई है, आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि जिससे आपको कुछ एक्साइटिंग लगे. राइट, अगर आप जिस जगह पर हैं वहीं के वहीं फंसे रह जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा डिप्रेसिंग लगता. नॉट एग्जैक्टली डिप्रेसिंग, दिस इज़ नॉट अ डिप्रेसिंग कार्ड. ठीक है, ये कार्ड हो सकता है बोर्डम वाला कार्ड हो सकता है, इम्पेशेंस के, मतलब लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा है उसकी वजह से इम्पेशेंस वाला कार्ड है. ठीक है, सो दिस शोज सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेगनेंटनेस के जो आपकी लाइफ में हुआ हो सकता है. और ये वाला कार्ड कहता है फैमिली लाइफ, फैमिली बनाने का टाइम है. ओके, तो देर आर चांसेस कि जब आप ये रीडिंग दे रहे हैं, देख रहे हैं, ऑलरेडी फैमिली का प्लानिंग आपने शुरू कर दिया है, या रीडिंग आप जब देखते हैं उसके कुछ समय के बाद आप डेफिनेटली फैमिली प्लानिंग करेंगे, बच्चे प्लान करेंगे. सो येस, दैट इज़ डेफिनेटली इन द कार्ड्स, और एक अच्छा फैमिली लाइफ दिख रहा है. सो इट कुड ऑल्सो भी, अगर आपने प्लान नहीं किया है तो भी कोइंसिडेंटली बच्चे सी दीज आर द बेस्ट सॉर्ट ऑफ किड्स. अगर आपने प्लान नहीं किया है फिर भी आपको मतलब
मतलब कुछ कुछ ऐसा हो कि जिस जहाँ से आपके बच्चे मतलब आपको लगे अच्छा आप कंसीव कर रहे हो या आपके आपकी वाइफ को बच्चा होने जा रहा है, दैट इज़ एक्चुअली द बेस्ट थिंग यू नो, कि जहाँ पर आप उस चीज़ में कुछ कर नहीं सकते बट एट द सेम टाइम वो भगवान की देन है, तो वहाँ पर यू नो आपको कोई कंप्लेन करने का मौका नहीं आएगा। द नेक्स्ट थिंग इज़ द सीक्रेट मैसेजेस। सीक्रेट मैसेज में सबसे पहले देर इज़ अ ब्रेक ऑफ अ बिलीफ सिस्टम। कुछ बहुत ही बुरा बुरी तरह से आपका आपका कोई बिलीफ है, आपका कोई विश्वास है कि जो टूटेगा किसी ऊपर, किसी के ऊपर सबका कोई विश्वास है कि जो टूटेगा। कुछ है कि जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, वो बिलीफ आपका टूटेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो कार्ड है वो है ये, दिस इज़ द कार्ड फॉर मनी के रिलेटेड कार्ड है, आपके रिलेटेड कार्ड है। आप मनी के मास्टर बनना चाहते हैं, और अगर आप नहीं बनना चाहते हैं अभी तक उस डायरेक्शन में कुछ सोचा नहीं है, दिस कार्ड इज अ ह्यूज थिंग विच सेज के भाई पैसे के ऊपर काम करना है, पैसे का मास्टर बनना है, पैसा कमाने में मास्टरी हासिल करना है। दिस इज वॉट यूनिवर्स इज स्क्रीमिंग आउट कि भाई करो कुछ ऐसा, ऐसा कुछ करो कि जिससे ऐसा कुछ रिजल्ट मिले। ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपका सीक्रेट मैसेज। चलिए अब आपको क्या अवॉइड करना चाहिए वो देखते हैं। ठीक है, बिकॉज क्या अवॉइड करना चाहिए वो जानना ज़रूरी है, बिकॉज येस क्या करना चाहिए वो तो हमने दिखा दिया, अब क्या नहीं करना चाहिए वो भी दिखाना ज़रूरी है। बिकॉज कई लोग कंप्लेन करते हैं अच्छा आपने तो हमें तो मतलब जो बताया था वो हुआ नहीं, जो अवॉइड करना चाहिए जो चीज़ें नहीं करना चाहिए वो करते रहते हैं, फिर कैसे फ्यूचर में कुछ चेंज आएगा। ठीक है, फ्यूचर में सारी गलत चीज़ें होती रहेगी अगर आप सारे गलत कदम अभी उठाते रहते हैं तो। ठीक है, तो चलिए अभी यूनिवर्स 7/16/25 के बर्थडे वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। यूनिवर्स 7/16/25 तारीख पे जिसकी जन्म तारीख है उनको कौन सी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। यूनिवर्स 7/16/25 जिसकी बर्थडे है उसको कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी क्या क्या अवॉइड करने की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइड अस। तो जी हाँ, quite amount of cards coming up. और यहाँ पर final card है ये। ठीक है, चलिए आपके लिए सारे cards हमने देख लिए हैं and okay, so I have no idea कि ये card था कि नहीं। ठीक है, anyways अगर वो नहीं था तो साइड पे ही हम उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, so yes, चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं ये सारे cards को रखना, फिर आपको बताती हूँ क्या क्या अवॉइड, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं कि जो आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है वो बता रहे हैं। सो येस यू हैव टू बी केयरफुल, यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करने को बोली जा रही है उसी चीज़ को फॉलो नहीं करना, उस ऐसे कार्य को नहीं करना, ऐसे लोगों से नहीं मिलना है। ठीक है, सबसे पहले हमेशा कन्फ्यूज्ड रहना अवॉइड करना है, कन्फ्यूज रहने की वजह से डिसाइड नहीं कर पाना। सी अगर ये अवॉइड करने को बोला गया है तो ऐसा बहुत सारी बार आपकी लाइफ में होता होगा कि इस कन्फ्यूजन की वजह से आप बहुत सारे डिसीजन लेने में समय बहुत लगाते हैं कि जिसकी वजह से आपका समय वेस्ट होता है। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज वॉट टू अवॉइड। अगर कोई चीज़ है कि जो कम्प्लीट हो गई है, कोई फेस है कि जो कम्प्लीट हो गया है, इनडेफिनेटली आपको उसमें सेलिब्रेट नहीं करते रहना है। सेलिब्रेशन होना चाहिए, येस सेलिब्रेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, पार्टीज करना इम्पॉर्टेंट है, बट हद से ज़्यादा सेलिब्रेट करते रहना, वो इवेंट पता नहीं ख़त्म होते हुए पता नहीं कितना समय हो गया है, कितने महीने हो गए, बट आप उस चीज़ को सेलिब्रेट करते रहते हैं, उसको आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट चीज़ आपको अवॉइड क्या करना है, आपको हद से ज़्यादा सोचते नहीं रहना है जिस चीज़ के बारे में आप एक्शन लेना चाहते हैं। सी कभी भी कुछ भी करो उससे पहले सोचना ज़रूरी है, कुछ बोलो उससे पहले सोचना ज़रूरी है, कोई भी एक्शन लो, कुछ भी आप ले लो, लॉन्ग टर्म के लिए कुछ डिसाइड करो, डेफिनेटली सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी बिना सोचे कुछ भी नहीं करना चाहिए। बट यहाँ पर क्या है, ये कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, दिमाग में प्लान्स बनाते रहते हैं, बट वो चीज़ें कुछ कर मतलब यू आर नॉट पुटिंग देम इनटू एक्शन, तो ये चीज़ अवॉइड करना है। हद से ज़्यादा सोचना नहीं है, हद से ज़्यादा यू नो दिमाग में मतलब पूरे सिनेरियोस क्रिएट नहीं करते रहना है। दिस कार्ड वी हैव इट सेज दैट, ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपको अपने अपना जो मनी का एरिया है
मनी जो है अपने पैसे बहुत अच्छे से संभाल कर यूज़ करने हैं, पैसे अच्छे से इन्वेस्ट करने हैं, आपकी जितने भी मटेरियल्स हैं यू हैव टू यस आपको पैसे की वैल्यू करनी है, जो भी मनी आपके पास है आपको उसको अच्छे से यूज़ करना है। कभी कभी यू नो मतलब यस कभी कभी हो जाता है कि कोई चीज़ जो आजकल यू नो ज़माना ऐसा है बहुत सारी चीज़ें लोग बाय करते रहते हैं, कंज्यूमरिज्म का ज़माना है, तो मतलब जो चीज़ आप नई एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जो चीज़ आपके पास है आप उसको नफरत करने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज दिस, दिस इज़ अबाउट डोनेशन, अवॉइड डोनेशन। ये कार्ड आपको अवॉइड करने की बात कर रहा है कि डोनेशन हद से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है उसको डोनेशन नहीं देना चाहिए, ठीक है। आपकी ऐसी आदत हो सकती है कि आप बहुत ही दानेश्वरी हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब मदद करते हैं लोगों की, और जहाँ देखो वहाँ पर पैसे देते रहते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, डोनेशन करना चाहिए बट यहाँ पर बिन ज़रूरी जब लगे तब डोनेशन नहीं करना है। दिस इज़ द कार्ड फॉर, अगर आप फॉर्चुनेट है किसी मामले में, ओके अगर आपको बताया गया है कि आप लकी है, कुछ आपकी लाइफ में बहुत गुड लक वाली चीज़ें हो रही है, तो उस चीज़ को आपको लोगों को शो ऑफ करना बंद करना है। देखो यहाँ पर ये दोनों लोग कैसे शो ऑफ कर रहे हैं, यू हैव टू अवॉइड शोइंग ऑफ, दिस कार्ड इज सेइंग क्या और अवॉइड करना चाहिए आपको, या कपड़ों के पीछे ज़्यादा पैसे स्पेंड करना आपको अवॉइड करना चाहिए आप, या ट्राई टू फॉलो मिनिमलिज्म, ठीक है। मिनिमलिज्म क्या है वो नहीं पता है, तो नेटफ्लिक्स के ऊपर वो सीरीज़ है, जस्ट ट्राई टू लुक एट इट, बहुत अच्छी सीरीज़ है, यू नो दो डॉक्यूमेंट्री है, नॉट सीरीज़, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री जिसके दो पार्ट हैं, आप ज़रूर देखो उसको, दैट इज़ समथिंग दैट एवरीबडी यू नो दुनिया के हर एक व्यक्ति को देखने की ज़रूरत है। और क्या करना है, बिन ज़रूरी फाइट, बिना ज़रूरी किसी के साथ या कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है, बिना वजह किसी के साथ झगड़ा नहीं मोल लेना है। सो दिस इज़ देयर, जब लोग आपसे बात करते हैं तो शांति से उनकी बात सुनना है, शांति से उन्हें वो क्या कहना चाहते हैं वो सुनना है, फिर आपको एक्शन लेना है, ठीक है। बट उसके बाद आप अपनी बात रख सकते हैं, बट पहले आपको लोगों की बात सुनना है। द नेक्स्ट थिंग इज़ क्या चीज़ और अवॉइड करनी चाहिए, अगर आप किसी चीज़ में आपको बहुत बड़ी जीत मिलती है, बहुत बड़ी विक्ट्री मिलती है, वहाँ पर वापस शो ऑफ करने से आपको केयरफुल रहना है। सी आजकल यू नो लोग जीतते हैं उससे ज़्यादा लोग यू नो मतलब नेगेटिविटी से मतलब पीड़ित है, क्यों इतना ज़्यादा शो ऑफ करते हैं, तो मतलब जो 10 लोग जिनको वो चीज़ नहीं मिली है डेफिनेटली जलना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली यू नो आपको ऐसा नहीं करना है। जो भी आप आपको लगता है समथिंग कि जो दुर्लभ है, कि जो किसी को नहीं मिला है, तो उसको लोगों के सामने शेयर करना, शो ऑफ करना बंद करो। दिस कार्ड वी हैव, दिस इज़ द कार्ड फॉर, आपको जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए, जल्दी जल्दी यू नो मतलब किसी चीज़ के ऊपर बहुत ही हड़बड़ी में काम करके आप ख़त्म करते हैं वो नहीं करना चाहिए। कौन सी चीज़ और अवॉइड करनी चाहिए, आपको अन्याय करना अवॉइड करना है। आजकल मुझे पता है यू नो दुनिया में अन्याय करना इज़ लाइक मतलब बहुत ही कॉमन चीज़ है, हर कोई अन्याय करते रहता है, झूठे वादे करते रहता है, झूठ बोलते हैं, जैसे जैसे संस्कार नहीं मिले हैं यू नो बिल्कुल मतलब लोगों को चीट करना, ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। तो ये कार्ड कहता है आपको अवॉइड करना है यू नो लोगों को छल कपट से, यस आपको छल कपट करना अवॉइड करना है, ठीक है। चलिए अब हमें मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स देखने की ज़रूरत है आपके लिए, यस स्पेशली फॉर योर नंबर। चलिए शुरू करते हैं अब, यस यू नो ये वीडियो देखते हुए कभी भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको मुझसे रीडिंग्स लेना है, तो डेफिनेटली गो अहेड एंड गेट अ रीडिंग। नंबर इज गिवन ऑन द स्क्रीन एंड जो नंबर दिया गया है उसके ऊपर आप, या प्रेडिक्शंस कंसल्टेशंस कुछ भी यू नो फ्री नहीं है, ठीक है। हर एक चीज़ के पैसे चार्ज होते हैं, अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं इट इज़ चार्जेबल, टैरो सीखना चाहते हैं वो चार्जेबल है, बट यू कैन एक्सपेक्ट हाई क्वालिटी रीडिंग्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए मैसेजेस ऑफ यूनिवर्स क्या है। यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनकी बर्थडे है 7/16/25 उनके लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनकी बर्थडे है 7/16/25 उनके लिए इम्पॉर्टेंट मैसेज दीजिए प्लीज़। यूनिवर्स मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनकी बर्थडे है 7/16/25 उनके लिए यूनिवर्स से मैसेजेस चाहिए प्लीज़ हेल्प मी। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड विद द यूनिवर्स मैसेजेस फॉर 7/16/25। ओके सो 7/16/25 के लिए मैसेजेस। Here we have three cards.
है, उसके बाद काफी ज्यादा मैसेजेस आ रहे हैं यहाँ पे, ओप्स लॉट ऑफ मैसेजेस आर कमिंग अहेड, मैसेजेस 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 यहाँ पर सब है, कार्ड्स वन मोर, ठीक है चलिए देयर यू गो, सारे मैसेजेस हमारे पास आ गए हैं, अब लेट्स सी वन बाय वन, ठीक है वन बाय वन देखते हैं सारे मैसेजेस आपके लिए कौन से हैं। सो दीज आर द मैसेजेस की जो आपको ध्यान से ध्यान में रखना है, इन सारी चीज़ों को आपको फॉलो करते रहना है, ठीक है। अगर कोई मैसेजेस है कि जो आप फॉलो नहीं करने वाले हैं देन व्हाट्स द पॉइंट, राइट। अगर आप ऐसा कोई वीडियो टाइम देकर सुन रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि इस वीडियो में जो बताई गई बातें हैं आप उसको फॉलो करो कि जिससे आपकी लाइफ, सी अभी आपकी लाइफ ऐसी है जैसी, यस पास्ट में आपकी एक्शंस की वजह से, फ्यूचर में अगर आप कुछ बहुत ही बेहतरीन यू नो अचीव करना चाहते हैं तो प्रेजेंट आपका कुछ ऐसा होना चाहिए जहाँ पर आप कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल कर रहे हैं, कुछ एक्सेप्शनल स्टेप्स ले रहे हैं, और उसके लिए ऐसा कोई वीडियो देखना, ऐसे किसी वीडियो में जो बताया गया है उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो सबसे पहले यस सी यहाँ पर वापस है क्रॉस रोड जर्नी मल्टीपल चॉइसेस, तो अगर आप किसी कोई आपकी लाइफ के कोई एरिया में हो सकता है कि जहाँ पर आपको क्रॉस रोड वाली जर्नी आपके पास आ सकती है, इसका ऑप्शन आ सकता है, जहाँ पर दो रास्ते में से कोई एक रास्ता आपको एक्सेप्ट करना ये हो सकता है, ये है हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप करियर स्पिरिचुअलिटी किसी भी एरिया के लिए हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है ये कार्ड द एंड म्यूटेबल, ओके एंड ऑफ द सीजन एडेप्ट कनेक्टेड ओपन माइंडेड वाइज परफेक्टिंग टच सीज बोथ साइड्स, दिस इज ऑल्सो अ चांस कि यू नो आपको यू नो आप एक ऐसे पोजिशन एक ऐसे लेवल पर पहुँच गए हैं जहाँ पर आप यू नो गुड एंड बैड अच्छा बुरा दोनों अच्छे से देख सकते हैं विदाउट बींग जजमेंटल। तो ये है कि आपका ये लेवल बहुत जल्दी पहुँचने वाला है या आप ऑलरेडी इस लेवल तक पहुँच गए हैं। येस नेक्स्ट वी हैव इज दिस कार्ड, दिस इज ऑफ गीस ऑन अ क्वेस्ट माइग्रेशन रीलोकेशन डिपेंडेबल, तो ये कहीं पर रीलोकेशन करने की बात है, हो सकता है अभी अगर आप रीलोकेट नहीं कर रहे हैं तो आपको फ्यूचर में ज़रूर रीलोकेट करना पड़ेगा बिकॉज दिस कार्ड हैज कम, तो वो रीलोकेशन यू नो इनएविटेबल हो जाएगा। नेक्स्ट चीज़ है ये डिवाइन पार्टनर सोलमेट एक्टिवेटेड हार्ट चक्र बैलेंसिंग यिन एंड यांग एनर्जी रिफ्लेक्शन अदर सेल्फ कैटलिस्ट, अगर आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम वाले रिलेशनशिप में हैं तो ये वाला कार्ड कहता है कि आपको यस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए खुद को प्रिपेयर करना है ताकि आप अपने अपने पार्टनर के साथ इवॉल्व कर सके। दिस मैसेज इज के ये आपको बताता है गाइडेंस सिस्टम डी टूर सेफ पैसेज वार्निंग प्लॉट अ कोर्स ऑफ एक्शन नेविगेटिंग ऑब्स्टेकल्स, आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं आपकी लाइफ में जितने भी रुकावटें हैं ये कार्ड बताता है आपको उनको पार करना ही पड़ेगा। तो ये कंप्लेन मत करो कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है आई जस्ट कैन नॉट हैंडल इट मुझसे नहीं सहा जाता ये वो सारे यू नो चोचले हैं वो सब कुछ आपको साइड पे छोड़ना है। ये कार्ड बताता है कि चाहे जो भी हो जाए आपको अपने सारे प्रॉब्लम्स में से यू नो बाहर निकलने का प्रयास करना है और बाहर निकल ही जाना है, ठीक है। सो यस नेविगेटिंग ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल से बाहर आने के लिए प्रयास करते रहना है जब तक आप उसे पार कर नहीं लेते तब तक। ये वाला कार्ड कहता है प्रॉब्लम सॉल्वर क्यूरियस आस्क क्वेश्चंस, अगर किसी मामले में आपको लगता है कि क्लैरिटी नहीं है आपको ज़्यादा आंसर्स चाहिए तो सवाल पूछिए, यस यू नो सवाल पूछिए या आपको मतलब रिसर्च कीजिए जो भी आपको लगता है जिसके बारे में सही जवाब नहीं है। ये वाला कार्ड बताता है हैप्पी हार्मनी ब्यूटी क्रिएटिविटी एक्सप्रेसिव ग्रैटिट्यूड, यस बहुत सारा पॉजिटिविटी का कार्ड है, लव का कार्ड है, वॉर्म्थ का कार्ड है, ब्यूटी का कार्ड है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, ब्यूटी आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज दिस, दिस इज फॉर परफेक्ट डेलिकेट कोडेड फ्रेजाइल पैटर्न सिमेट्री प्रिसाइज हैंडल केयरफुली, आपकी लाइफ में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आपको उसको बिल्कुल केयरफुली हैंडल करना चाहिए, बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। दिस कार्ड इज़ फॉर एस्टैब्लिश्ड एम्बिशन एक्सपीरियंस सेक्सुअलिटी अचीवमेंट लॉन्जेविटी मैच्योर करियर वर्च्यू डेवलपमेंट रिटायर्ड, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर सी एम्बिशन, अगर आपका कोई एम्बिशन है कि आपको उसके ऊपर काम करना है तो ज़रूर उस पर काम कीजिए ताकि आप आगे बढ़ सके।
सेक्सुअलिटी अचीवमेंट, सेक्सुअलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। कभी कभी लोगों को होता है यू नो कि अपनी सेक्सुअल एनर्जी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, बट इट इज़ टोटली फाइन। दुनिया का हर एक व्यक्ति सेक्सुअल एनर्जी लेकर जन्मा है, तो हर एक व्यक्ति के अंदर ये डिज़ायर होने वाला है, हर एक व्यक्ति के अंदर ये एनर्जी होने वाली है। तो उसको उससे नफरत नहीं करना है, उससे पीछे नहीं उससे पीछा छुड़ा कर भागने की कोशिश नहीं करना है, बिकॉज दैट इज़ लाइक जस्ट इम्पॉसिबल। ठीक है, वो चीज़ नहीं करना है। लॉन्जेविटी, मेच्योर करियर डेवलपमेंट, रिटायर, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। ये वाला कार्ड बताता है आपके लाइफ में कुछ ऐसे विषैले लोग हैं कि जो आपको कभी भी पीठ में छुरा भोंक सकते हैं, कभी भी आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी ला सकते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना है। जस्ट इन केस आपकी लाइफ में ऐसे कोई भी लोग नहीं है, तो ऐसे लोगों की एंट्री हो सकती है। यस, सी एंट्री और एग्जिट तो हमेशा होती रहती है, कि इनको आप चुनते हैं अपनी लाइफ में रखना, वो आपके ऊपर रहेगा। ठीक है, तो ऐसा कोई व्यक्ति है कि जिसका एंट्री ज़रूर होने वाला है, ठीक है, या फिर ऐसे व्यक्ति ऑलरेडी है, बट आपको कोशिश करना है कि आप इनसे दूर रहें। ठीक है, द नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज अबाउट द आर्चर। केयरफुल एम ऑन टारगेट, फोकस मैच मेकर, क्विक डायरेक्ट, गो टू गाय और गैस, शूट स्ट्रेट, प्रिसाइज, इंप्लीमेंट अ स्ट्रैटेजी। आपको किसी मामले में स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है। अगर आपकी लाइफ का कोई एरिया काम नहीं कर रहा है और आप चाहते हैं कि उस एरिया में आपको प्रोग्रेस देखना है, तो ये वाला कार्ड बताता है कि आपको कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रैटेजी बनाने की ज़रूरत है, कैसे आप उस लाइफ के क्षेत्र में प्रोग्रेस कर सकते हैं। दिस इज़ द कार्ड अबाउट यस चाइल्ड, इनोसेंट, ब्रांड न्यू, केयर फ्री, इनएक्सपीरियंस्ड, टेंडर, न्यू परस्पेक्टिव बॉय। दिस इज़ लाइक सी आपके रीडिंग में पहले भी आया था, दूसरे जो कार्ड्स हमने पुल किए थे उसमें भी फैमिली का कार्ड था, बच्चे का कार्ड था, एंड इट इज़ बिग टाइम। यू नो, मुझे लग रहा है अगर आप में से कोई है कि जो ऑलरेडी कमिटेड है, शादीशुदा है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यू नो आपको बच्चा हो सकता है। यस, लड़का होगा, ओके, लाइक लड़का होगा, आई कैंट से दैट, या बिकॉज टेक्निकली आई कैंट से दैट, सो बस, बट येस, यू नो देर आर चांसेस कि यू नो लड़का हो सकता है। अगर ट्विंस हुए तो एक लड़का ज़रूर होगा, एक लड़का एक लड़की ऐसा, तो येस डेफिनेटली देर आर चांसेस। जस्ट इन केस अगर आपने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, दिस कार्ड इज़ अबाउट विनिंग रेप्यूटेशन। कुछ आप जीत जाए ऐसा कुछ आपके लिए हो सकता है, सक्सेस मिले ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो सकता है। आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है कि जिससे आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, जहाँ पर आपको अवार्ड मिले, ऐसा कुछ काम करना है, राइट? काफ़ी लोगों को अच्छा लगता है, अच्छा हम सक्सेसफुल होंगे, हमें अवार्ड मिलेगा, मतलब किस चीज़ में भाई? अगर कोई एक्सेप्शनल काम करोगे, बहुत ही माइंड ब्लोइंग काम करोगे, तो झक मार कर अवार्ड मिलेगा, ठीक है? बट ऐसे काम करने हैं जो अवार्ड पाने लायक है, राइट? छोटे मोटे काम करोगे तो छोटा मोटा अवार्ड मिलेगा, बड़ा काम करोगे तो बड़ा अवार्ड मिलेगा। ये कार्ड कहता है यू आर द करेक्ट पर्सन, यू नो, बॉयफ्रेंड, फियांसे, स्पाउस, लव इंटरेस्ट, मैस्कुलिन एनर्जी। आपके जो पार्टनर है उसके बारे में ये कार्ड है, दिस इज़ अबाउट देयर मैस्कुलिन एनर्जी। अगर आप एक फीमेल है और आपके पार्टनर और ये आपके पार्टनर है, तो ये वाला कार्ड बताता है कि इट कुड बी कि आपको टोटली अपनी फेमिनिन एनर्जी में रहना है, ताकि आपके मैस्कुलिन, आपका जो डिवाइन मेल है, आप उसकी बात सुन सके। अगर आप मेल है और आपके पार्टनर फीमेल है, तो ये वाला कार्ड कहता है आपको, यस, आपको एक आदर्श डिवाइन मेल होने की ज़रूरत है, जहाँ पर आप अपनी फीमेल की केयर लेते हैं, फीमेल को प्रोटेक्ट करते हैं। जी हाँ, वो सब। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। दूसरे लोग जिनका बर्थडे है 7/16/25, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। फिर से मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपके माइंड में एडिशनल क्वेश्चंस आते हैं, तो ज़रूर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। यू नो, रीडिंग के ऊपर आप डेफिनेटली मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और टैरो रीडिंग पा सकते हैं। टैरो रीडिंग्स फ्री नहीं होते हैं, कंसल्टेशंस प्री पेड होते हैं। पहले आप पेमेंट करते हैं, जिसके बाद आपको कंसल्टेशन मिलेगा। तो डेफिनेटली आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मेरे टैरो की क्लास में जुड़ना चाहते हैं, तो भी आप यू नो मेरे साथ टैरो की क्लास में जुड़ सकते हैं। मेरे टैरो के क्लासेस बहुत ही अमेजिंग होते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं, और आप बहुत ही जल्दी टैरो रीडिंग्स सीखना शुरू करेंगे। सर्टिफिकेट भी मिलेगा। तो यस, मेरी वेबसाइट के ऊपर सारी डिटेल्स दी गई है। स्क्रीन के ऊपर जो वेबसाइट का एड्रेस है, वहाँ पर जाकर आप सारी डिटेल्स पा सकते हैं। जी हाँ, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अंटिल वी मीट अगेन नेक्स्ट टाइम। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए। मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो ने आपकी कैसे मदद की। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।